इतनी भीड़ में एक यादें लेकर के ना जाए, ऐसा होता है क्या? इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी हो रहा है महादेव के रूप। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुड़ियारी नदी में। और देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और आज की वीडियो को हम पूरा यहीं पर दिखाते हैं नए अपडेट के साथ। जब हमने मतलब जब आप आते हैं, जैसे कि हम लोग जब हम भी आते हैं यात्रा में, लगभग 3 बार गए हैं डाक बम में, तो जब यात्रा में आते हैं ना तो जिस तरफ से एंट्री होती है गुड़ियारी नदी में, उस तरफ से आज पूरा व्यू दिखाने वाले हैं किस प्रकार का नज़ारा है नदी का। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। ये वाला जो है ना रास्ता इधर से ही है कांवरिया पथ नदी में आने का, और वैसे तो परमानेंट है इधर से है, इधर से ब्रिज के ऊपर से इस ओर से इधर चले जाते हैं, लेकिन अभी जो कांवरिया आ रहे हैं ना नदी में आ रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं, तो इधर से ही चलकर दिखाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके। आज जो है ना देखते हैं कितना भीड़ है नदी में, क्योंकि दोस्तों सावन का लगातार भीड़ चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो आज का भी एक बार और दिखाते हैं नई अपडेट में, आप सभी का फिर से स्वागत है। इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करके रखिए, लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो आज देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा यहाँ पर फोटोशूट है चल रहा है, और आज तो बहुत ज़्यादा कवर हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक बार पहले भी हमने दिखाया था, उस वक्त भी भीड़ था, और आज भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ऐसा भीड़ दोस्तों लगभग सावन भर रहेगा, पूरा श्रावणी मेला तक रहता है और रहेगा भी, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं श्रावणी मेला का भीड़ और गुड़ियारी नदी का नज़ारा, इसको बोलते हैं ऐसा नज़ारा। बिल्कुल क्या मस्ती भरा है गुड़ियारी नदी, बहुत ही इंजॉय है यहाँ पर। घोड़े वाले हैं, एक बार बैठाने का कितना चार्ज लेते हैं? जो बम दे दे खुशी से 10-20। अच्छा अपना, अच्छा 10-20 रखे हैं, घुमाते भी केवल फोटो शूट करवाते हैं? फोटो के लिए, बालू में पैर धंसता है इसका। अच्छा बालू में पैर धंसता है, केवल बैठा कर बैठा के फोटो खिंचवा देते हैं। अच्छा तो देख रहे हैं आप आएंगे तो आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा सभी घोड़े वाले का, जो लगभग एक ही चार्ज है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना घोड़े वाले हैं, और लगभग जो है ना एक ही चार्ज है, आप समझ सकते हैं गुड़ियारी नदी का ऐसा नज़ारा है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा है, और देख रहे हैं यहाँ पर भी हो रहा है घोड़े के साथ फोटोशूट। इतनी भीड़ में एक यादें लेकर के ना जाए, ऐसा होता है क्या? यादें लेकर के ही जाते हैं। देख रहे हैं इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सभी जगह भीड़ ही भीड़ है। थोड़ा सा इधर से चलते हैं और आगे देखते हैं, इधर आगे चल करके इधर आगे कितना भीड़ मिलने वाला है। तो लगातार जो है बने रहिए, इधर भी देख रहे हैं घोड़े वाले। आज जो है ना घोड़े वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 8-10 की संख्या में ऐसा लग रहा है, ऐसा एक तरफ से काउंटिंग हमने किया नहीं, लेकिन 8-10 की संख्या में बहुत ज़्यादा घोड़े नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं महादेव जी बने हुए हैं, देख रहे हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा आपको महादेव का रूप दिला के आपके साथ फ़ोटोशूट करवाएंगे, तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कैसा कैसा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहनाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर पहनाया जा रहा है, और यहाँ पर तैयारी किया जाएगा बिल्कुल आपको महादेव की तरह, देख रहे हैं। इसके बाद फ़ोटो शूट करेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे नहा के इधर से निकल जाते हैं, काफ़ी इधर से निकल जाते हैं, ऊपर ब्रिज है तो थोड़ा सा इधर से देख रहे हैं ना यहाँ पर। ये देखें किस प्रकार, देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी हो रहा है महादेव के रूप, और देखते हैं एक बार फ़ोटो शूट किस प्रकार करते हैं। और यहाँ पर पूरा लोट पोट के नहा रहे हैं, पानी कम है लेकिन कुछ ज़्यादा ही डुबकी लगाने की सोच रहे हैं, और मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि आप नीचे डूब जाएं, बस बैठ जाएं, भींग रहें और भींगते हुए आनंद लें, ऐसा पानी है, मतलब इसी तरह होना चाहिए, दूर दूर तक नदी में पानी है। ये देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है, अब होगा इनका एक फ़ोटोशूट और फिर ये चले जाएंगे और एक यादगार लेकर के यहाँ से आगे। ये देखिए इनको तैयार किया जा रहा है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस बार आप किधर चले, किधर चले, इस साइड से चलते हैं थोड़ा सा, अब जो है इस साइड से चल के दिखाते हैं कि आज जो है इस साइड में क्या क्या है। ये देखिए इस साइड से देख रहे हैं आ रहे हैं कांवरिया लोग, और इधर से देख रहे हैं नदी का जो नज़ारा है ना इस साइड से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा। यहाँ पर भी देख रहे हैं किस प्रकार शिव जी का रूप लेकर के एक यादगार लेके जाते हैं, जो कि अक्सर दिखा रहे थे रहते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और लग रहा है अच्छा घोड़े का देख रहे हैं यहाँ पर निकाला जा रहा है, और ये देखिए निकाला जा रहा है इसको, और उसका जो है नाल निकाला जाता है जो पैर में रखता है, क्योंकि बालू में चलने में पैर ज़्यादा अंदर जाने लगता है घोड़े का, जैसे कि पहले भी बताया वीडियो में कि दिक्कत होता है और धस जाता है पैर, इसलिए चल करके नहीं घुमाते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। हर हर महादेव जरूर कमेंट कीजिएगा। गुड़ियारी नदी का नया अपडेट आप तक पहुंच गया। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। सभी महादेव भक्तों को।